हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे हैलोजन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में। तो आइए देखते हैं हैलोजन परिवार के तत्वों के क्या रासायनिक गुण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक गुण एनसीईआरटी का पेज नंबर 206 है आपका। रासायनिक गुण में पहला है आपका ऑक्सीकरण अवस्थाएँ तथा रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति के बारे में, सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सभी हैलोजन जो हैं वह -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तथापि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +1, +3, +5, +7 की ऑक्सीकरण अवस्था भी यह दर्शाते हैं। लेकिन जो एक फ्लोरीन है वह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +1 से ज़्यादा, +3, +5, +7 होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमने बताया कि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल +1 होती है। बाकी लोगों के पास डी ऑर्बिटल होता है। तो आइए उसको देखते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। यह आप देख रहे हैं पहला हैलोजन परमाणु मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट का यह फिगर है आपका। हैलोजन परमाणु मूल अवस्था जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यह फ्लोरीन को छोड़कर, इसमें फ्लोरीन नहीं आता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं NS NP5 आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP5 होता है। यह आपका NS ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यह NP5 P ऑर्बिटल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और ND ऑर्बिटल जो है आपका खाली है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं केवल एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो है पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक जो है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था को स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। तो इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यह -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्पष्टीकरण देगा, ठीक है। अब जो है अगर इस पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एनडी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो उसे कहेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में आ जाएगा तो यह कंडीशन आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो उसे कहेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो उसे कहेंगे तृतीय उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में आप देख रहे हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 3 हो जा रही है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जा रही है, और जबकि तृतीय उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जा रही है, ठीक है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में आपने देखा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्पष्टीकरण देता है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्पष्टीकरण देता है। इसमें तृतीय उत्तेजित अवस्था में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः +7 ऑक्सीकरण अवस्था का स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने जो है यह ऑक्सीकरण अवस्था का स्पष्टीकरण दे रहा है। आगे देखें ध्यान से, जब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्यतया तब प्राप्त होती हैं जब हैलोजन छोटे तथा उच्च विद्युत वाहकता वाले फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था उस समय अधिकतम होती है जब यह हैलोजन
छोटे तथा उच्च विद्युत धारकता वाले क्लोरीन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्यतया तब प्राप्त होती हैं जब हैलोजन छोटे तथा उच्च विद्युत धारकता वाले क्लोरीन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अंतरा हैलोजनों में, ठीक है, अंतरा हैलोजनों में ऑक्साइडों में तथा ऑक्सो अम्लों में प्लस चार व प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्लोरीन तथा ब्रोमीन के ऑक्साइडों तथा ऑक्सो अम्लों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वह उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब देते हैं जब यह हैलोजन छोटे और उच्च विध्वंसकता वाले फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसे अंतरा हैलोजनों में, ऑक्साइडों में तथा ऑक्सो अम्लों में। ठीक है, ऑक्सो अम्लों में प्लस चार व प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्लोरीन तथा ब्रोमीन के ऑक्साइडों तथा ऑक्सो अम्लों में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन के परमाणु की संयुक्ता कोष में कोई डी कक्षक नहीं होता है। फ्लोरीन के परमाणु की संयुक्ता कोष में कोई डी कक्षक नहीं होता है, अतः यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। सबसे अधिक विध्वंसकता होने के कारण यह केवल माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन के पास डी कक्षक नहीं होता है, अतः यह अपने कक्षक का प्रसार नहीं कर सकता है, यह केवल माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, सभी हैलोजन अतिक्रियाशील होते हैं, जितने भी हैलोजन्स हैं यह अतिक्रियाशील होते हैं, ये धातु तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो सभी हैलोजन अतिक्रियाशील होते हैं, धातु तथा अधातुओं के साथ संयोग करके हैलाइड बनाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों की क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो हैलोजनों की क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि उनका आकार बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हैलोजनों के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए जो है वह तेजी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात हैलोजनों के पास प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। ठीक है, जो फ्लोरीन है आपका F2, वह सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है, और यह दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस प्रवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है आपका F2 जो है वह प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है, और यह दूसरे हैलाइड आयनों के विलयन में या यहाँ तक कि ठोस प्रवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। सामान्यतः एक हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक के हैलाइड आयनों को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सामान्यतः जो है एक हैलोजन जो है वह उच्च परमाणु क्रमांक के हैलाइड आयनों को ऑक्सीकृत करते हैं। देखिए ध्यान से, F2 plus 2X minus ये आपका हैलाइड आयन है, F2 plus 2X minus 2F minus plus X2, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है आप देख रहे हैं प्रबलतम ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, और इस हैलाइड को जो है, ठीक है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है X2 में। तो F2 plus 2X minus बनेगा 2F minus plus X2, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। Cl2 plus 2x minus 2Cl minus plus X2, यहाँ पर X के जगह ब्रोमीन या आयोडीन होगा। Br2 plus 2i minus बनेगा 2Br minus plus I2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हैलोजन जो हैं उनमें ऑक्सी कारक की प्रवृत्ति होती है और वह ऑक्सीकृत कर देते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों के जलीय विलयन में घटती हुई ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की पुष्टि करके मानक इलेक्ट्रोड विभव से होती है। ठीक है, तो
तो जल वर्ग में हम नीचे की ओर जाते हैं तो उनकी आक्षिकारक प्रवृत्ति जो है वह घटती है। इसका पता हमें मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों से होता है। ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों के जली विलयन में घटती हुई आक्षिकारक प्रवृत्ति की पुष्टि उनके मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों से होती है। ठीक है, जो हम सारणी में देख सकते हैं। अब यहाँ देखें, हाफ एक्स टू गैस, ठीक है, यह टूट रहा है एक्स गैस में। ठीक है, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी है आपका, डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा एच वियोजन, ठीक है, एक्स गैस में। ठीक है, उसके बाद इग्निशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रहा है, यह हैलाइड आप हैलोजन जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आपका हैलाइड बन जा रहा है एक्स माइनस। उसके बाद जो है इसका जलयोजन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिससे यह गैस से एक्वस में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है आप मानक इलेक्ट्रोड व्यूह के आधार पर जान सकते हैं। ठीक है, यह आपका हाफ एक्स टू गैस है, हाफ एक्स टू गैस, यह वियोजन एंथैल्पी के कारण टूट जा रहा है। ठीक है, हैलाइड आपका गैस फॉर्म में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कारण यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक्स माइनस बन रहा है, फिर इसका जलयोजन एंथैल्पी के कारण यह जली विलयन में कन्वर्ट हो जा रहा है एक्स माइनस एक्वस में। हैलोजनों की तुलनात्मक आक्षिकारक सामर्थ्य को उनके जल के साथ अभिक्रिया से और अधिक समझा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हैलोजनों की तुलनात्मक आक्षिकारक सामर्थ्य जो है वह उनके जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा आप और अधिक समझ सकते हैं। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में आक्षीकृत कर देता है। ठीक है, जो फ्लोरीन जल है, फ्लोरीन जो है वह जल को किस में तोड़ देगा, ऑक्सीजन में, H2O से O2 को क्या करेगा, आक्षीकृत कर देगा। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में आक्षीकृत कर देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कर संगत हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलस अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हैलोजन की तुलनात्मक आक्षिकारक सामर्थ्य को उनके जल के साथ अभिक्रिया से और अधिक आप समझा सकते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है वह जल को ऑक्सीजन में आक्षीकृत कर देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके संगत हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलिस अम्ल बनाते हैं। ठीक है, आयोडीन की जल के साथ अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयोडीन का जो है वह जल के साथ अभिक्रिया क्या है, अस्वतः प्रवर्तित होती है। तो हैलोजन की तुलनात्मक आक्षिकारक सामर्थ्य को उनके जल के साथ होने वाली अभिक्रिया के आधार पर आप समझा सकते हैं, जिसमें आपने देखा फ्लोरीन जो है वह जल को ऑक्सीजन में आक्षीकृत कर देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके संगत हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलस अम्ल बनाते हैं। आयोडीन की जल के साथ अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित है। ठीक है, वास्तव में आयोडाइड अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन द्वारा आक्षीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आई माइनस है वह अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन के द्वारा आक्षीकृत किया जा सकता है, जो कि फ्लोरीन द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है वह जल से ऑक्सीजन को आक्षीकृत कर दे रहा है, लेकिन जो आई माइनस है वह अम्ली माध्यम में ऑक्सीजन के द्वारा आक्षीकृत हो जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है फ्लोरीन द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया का ठीक विपरीत है। तो ध्यान से देखें, यह आपका फ्लोरीन है, यह जल है, यह फ्लोरीन क्या करेगा, जल से ऑक्सीजन को अलग कर देगा, जल से ऑक्सीजन को आक्षीकृत कर देगा। तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन गैस या जल लिक्विड, यह फ्लोरीन गैस जो है जल से ऑक्सीजन को आक्षीकृत कर दिया है। ठीक है, यह आपका कोई भी हैलोजन है, H2 गैस, H2O लिक्विड है, HX एक्वस और HOX एक्वस, जहाँ X बराबर Cl या Br हो सकते हैं। जैसे अगर Cl2 लेते हैं तो Cl2 प्लस H2O लिक्विड बनेगा HCl प्लस HOCl। ठीक है, हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलस बनेंगे। आयोडीन का क्या है, तो 4I माइनस एक्वस, 4H प्लस एक्वस, ऑक्सीजन गैस, यह आप देख रहे हैं कि आयोडीन प्लस 2H2O लिक्विड। तो आप देख रहे हैं कि आयोडीन
जो है ऑक्सीजन के द्वारा, आयोडीन जो है ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जा रहा है और आयोडीन में परिवर्तित हो जा रहा है। आयोडाइड आयन जो है वह ऑक्सीजन के द्वारा आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जा रहा है, ठीक है, जो क्लोरीन के ठीक विपरीत है। यह फ्लोरीन जो है यह जब जल से अभिक्रिया करता था तो ऑक्सीजन अलग हो जाता था, ठीक है, लेकिन जब आयोडीन जो है जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो आयोडाइड जो है जल के साथ क्रिया करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो जाता है और आयोडीन के रूप में आयोडाइड अलग हो जाता है और जल बनता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोरीन का असमान व्यवहार। फ्लोरीन जो है वह असमान व्यवहार क्यों दिखाता है, इसके बारे में समझते हैं। क्लोरीन का असामान्य व्यवहार, पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की भांति क्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य है, ठीक है। पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त में जो तत्व हैं उन्हीं की तरह क्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य व्यवहार दिखाता है, जैसे आयनन एंथैल्पी, विद्युत रणमुक्ता, विद्युत विभव, ठीक है। यह सब फ्लोरीन के लिए अन्य हैलोजन की प्रवृत्तियों के आधार पर अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन का जो अन्य हैलोजनों की तुलना करेंगे तो फ्लोरीन का आयनन एंथैल्पी, विद्युत रणमुक्ता, विद्युत विभव, यह सब मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त आयनी तथा ससंयोजित त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आबंध वियोजन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यह जो हैं यह अपेक्षित मान से बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है फ्लोरीन के मान आप अधिक हो रहे हैं अन्य हैलोजन की तुलना में, और दूसरे तरफ से अन्य हैलोजन की तुलना में मान कम भी हो रहे हैं। कौन कौन मान अधिक हो जा रहे हैं हैलोजन की तुलना में, तो फ्लोरीन के लिए जो मान अधिक हो रहे हैं उसमें है आयनन एंथैल्पी, विद्युत रणमुक्ता और विद्युत विभव। जो मान कम हो रहे हैं वे है आपका आयनी और ससंयोजित त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आबंध वियोजन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यह अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार, उच्च विद्युत रणमुक्ता, निम्न फ्लोरीन फ्लोरीन बंध वियोजन एंथैल्पी तथा संयुक्ता कोष में कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण होता है। तो इसका रीजन आपने देखा कि क्यों जो है क्लोरीन असामान्य व्यवहार दिखाता है, तो इसका कारण है कि क्लोरीन का जो असामान्य व्यवहार होता है वह इसके छोटे आकार के कारण, इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण तथा निम्न फ्लोरीन फ्लोरीन बंध वियोजन एंथैल्पी तथा संयुक्ता कोष कक्षक में डी आर्बिटल के अनुपलब्धता के कारण क्लोरीन का असामान्य व्यवहार होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपको रासायनिक गुण बताया गया जिसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं और रासायनिक क्रियाशीलता के प्रवृत्ति के बारे में समझाया गया और क्लोरीन के असामान्य व्यवहार के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ हैलोजन परिवार के बारे में और बताएंगे। तो आइए देखते हैं फ्लोरीन के कुछ और भी छूटे हुए हैं उनके भी बारे में देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। फ्लोरीन की जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती हैं वे ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण है कि दूसरे तत्वों के साथ इसके छोटे तथा प्रबल आबंधों को बनाना, ठीक है। फ्लोरीन जो है वह दूसरे तत्वों के साथ छोटे तथा प्रबल बंध बनाता है जिससे अधिकांश अभिक्रियाएं जो हैं ऊष्माक्षेपी होती हैं, फ्लोरीन की ऊष्मा बाहर निकलती हैं, ठीक है। यह केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, ठीक है, यह केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाता है जबकि दूसरे हैलोजन कई ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वह अधिकांश अभिक्रियाएं फ्लोरीन की ऊष्माक्षेपी होती हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसका मुख्य कारण है कि वह दूसरे तत्वों के साथ इसके छोटे तथा प्रबल आबंधों का बनना। फ्लोरीन जो है इसका आकार जो है छोटा होता है और यह प्रबल बंध बनाता है, इससे जो है इसकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और यह केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाता है जबकि जो दूसरे हैलोजन्स हैं वे कई ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन आबंध के कारण एक द्रव है, ठीक है। जो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है गैस न होकर द्रव होता है जिसका क्वथनांक 293 केल्विन होता है।
होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण फ्लोरीन का छोटा आकार, अधिक विध्वंसकता, दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड जिनका आकार बड़ा है तथा विध्वंसकता कम है, गैसें हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण फ्लोरीन का आकार छोटा तथा अधिक विध्वंसकता है, जिसके कारण यह द्रव के रूप में हाइड्रोजन फ्लोराइड पाया जाता है, जबकि जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड हैं जिनका आकार बड़ा होता है, विद्युत ऋणात्मकता उनकी कम होती है, जिसके कारण वह गैस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में, HF के बारे में और दूसरे हैलाइडों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हैलोजन परिवार के तत्वों की अभिक्रियाशीलता के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।